गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर लेट फीस जो है उसका कलेक्शन जो है अब स्टार्ट कर दिया गया है। और वो कलेक्शन जो है वो किस तरीके से होगा, कौन से पीरियड के लिए होगा और आपने अपनी जीएसटीआर 1 कब फाइल करी है वो भी अब चेक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लेट फीस के लिए जो नोटिसेस आ रहे हैं उसमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो ये एक नोटिफिकेशन आया था जिसको लेकर के काफी सारे कंफ्यूजन निकल के आ रहे हैं कि जो जीएसटीआर 1 की डेट है वो जुलाई 17 से लेके नवंबर 19 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी 10 जनवरी 2020 तक। उसके बाद इसे एक्सटेंड कर दिया गया था 17 जनवरी 2020 तक। तो क्या ये ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ था या फिर कंडीशनल वेवर दिया गया था, ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। ये नोटिफिकेशन है कौन सा, ये है नोटिफिकेशन नंबर 74/2019 जो आया था 26 दिसंबर 2019 को। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से एक साल पहले नोटिफिकेशन ये आया था। इसके अंदर जीएसटीआर 1 में एक वन टाइम वेवर स्कीम लाया गया था जिसमें इन्होंने बताया था कि द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47, सेक्शन 47 जो है वो लेट फीस फॉर फाइलिंग डिलेड रिटर्न जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 9 वगैरह वगैरह की बात करता है, ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड फॉर द रजिस्टर्ड पर्संस हु फेल्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज इन फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ्स और क्वार्टर्स जुलाई 17 टू नवंबर 19 बाय द ड्यू डेट बट फर्निशेस द सेड डिटेल्स इन जीएसटीआर 1 बिटवीन द पीरियड्स 19th December 19 टू 10th January 2020। और इस 10 जनवरी की डेट को फर्दर एक्सटेंड किया गया था 17 जनवरी 2020 तक। कहने का मतलब है कि इस नोटिफिकेशन ने यह बोला जुलाई 17 से लेके नवंबर 19 तक की आपकी जो भी जीएसटीआर 1 है वो अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी है लेकिन आप फाइल कर देते हैं 10 जनवरी 2020 या 17 जनवरी 2020 तक, तो आपका लेट फीस जो है वो नहीं लगेगा। तो अब अगर आपको नोटिस रिसीव हुआ है जीएसटीआर 1 का इन रिस्पेक्ट टू पीरियड जुलाई 17 टू नवंबर 19 और उसमें अगर लेट फीस की कैलकुलेशन करी गई है बावजूद इसके कि आपने 10 जनवरी 2020 या उससे पहले 17 जनवरी 2020 या उससे पहले फाइलिंग कर दी है तो आपको लेट फीस जो है वो नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 17 जनवरी 2020 के बाद इस पीरियड की लेट फीस के साथ जीएसटीआर 1 की पेमेंट या फाइलिंग जो है वो नहीं करी है तो आपका जो लेट फीस होगा वो होगा ड्यू डेट से लेके एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक। जी हां फ्रेंड्स, जुलाई 17 से नवंबर 19 के लिए ये कंडीशनल वेवर दिया गया था, ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात नहीं थी। यहां पर काफी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि 17 जनवरी 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई थी जुलाई 17 से नवंबर 19 की जीएसटीआर 1 फाइलिंग को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन पढ़ी हो तो हमने हर महीने की टैक्स मैगजीन में जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट आपको बताई है और उसके अंदर अगर आपने नोट पे ध्यान दिया हो तो हमने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है आप लोगों के लिए कि जीएसटीआर 1 लेट फीस लेवी बाय द लॉ बट नॉट कलेक्टेड और कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली बाय द पोर्टल टिल नाउ। यानी कि जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है वो लॉ के अंदर लेवी तो कर दी गई है लेकिन अभी तक उसका कलेक्शन या कैलकुलेशन जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट कैन कलेक्ट जीएसटीआर 1 लेट फीस एट एनी टाइम विच इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ जीएसटीआर 1। ये जो है ना जीएसटीआर 1 की लेट फीस डिपार्टमेंट जब चाहे उसका कलेक्शन कर सकता है।
और इस कलेक्शन का स्टार्ट जो है वो हो चुका है नोटिसेस के द्वारा। अब GSTR1 की लेट फीस कलेक्ट की जा रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मंथली टैक्स मैगजीन का तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं और अपने आप को इन लीगल इंटरप्रिटेशन से अपडेट रख सकते हैं। आपने उस नोटिस को पढ़ने से पहले इस पीरियड का ध्यान रखना है कि आपकी फाइलिंग कब हुई है। अगर इस पीरियड में आपने 17 जनवरी से पहले फाइलिंग कर दी है तो लेट फीस जो है इस नोटिफिकेशन के हवाले से नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद करेंगे तो ओरिजिनल ड्यू डेट से लेट फीस जो है वो लगेगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज है 13 जनवरी 2020, आपको यह पता होना चाहिए कि 13 जनवरी 2021 जो है वो क्वार्टरली रिटर्न GSTR1 फॉर अक्टूबर टू दिसंबर 20 के लिए लास्ट डेट है। अगर आप आज नहीं फाइल करते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा, इसके अंदर क्या इंपैक्ट आपके लिए देखने को मिलेगा और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर के लिए पहले जो ड्यू डेट हुआ करती थी वो हुआ करती थी 31 जनवरी 2021, इसे अब चेंज कर दिया गया है 13 जनवरी 2021। आज के बाद अगर आप फाइल करेंगे तो आपके रिसीवर के GSTR2B में वो डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा अगली GSTR1 में, यानी कि कल जो आप करेंगे तो अब उसके GSTR2B में जनवरी की 2B में दिखाएगा, ना कि दिसंबर महीने की। दूसरा ये कि आप ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करेंगे तो आज से 6 महीने के बाद हो सकता है कि आपको इस पीरियड का नोटिस जो है वो भी आ जाए कि आपकी GSTR1 जो है फाइलिंग नहीं हुई है, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से QRMP स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी गई है और QRMP स्कीम के अंदर ये बताया गया है कि आपका GSTR1 क्वार्टरली या फिर IFF फैसिलिटी जो है वो आपको क्वार्टर या मंथ एंड होने के बाद 13 तारीख तक फाइल करनी है। और जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा GSTR 9 और 9C का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन होने वाला है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20 इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशंस ओपन है, जल्द से जल्द ये रजिस्ट्रेशंस करा लीजिए, अदरवाइज सीट्स फुल होने के बाद आप रजिस्ट्रेशंस नहीं करा पाएंगे। 24 जनवरी 2021 को ये सेशन होने वाला है दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है कि GSTR1 में जो है लेट फीस की नोटिस आ रही है, अब नोटिस के ऊपर जो लेट फीस लगाया गया है वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है हमें पे करना होगा, लेकिन आपको इस पीरियड का भी ध्यान रखना होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।